हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले एक नए TWS की, जो कि है बोट का एटम 83। तो ये कुछ दिन पहले ही अभी लॉन्च हुआ है और जैसे ही ये फ्लिपकार्ट पे आया मैंने इसे ऑर्डर कर दिया है। तो ये ऑफर प्राइस में मुझे कुछ 1299 का पड़ा था, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। आज ये डिलीवर हो चुका है, तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशंस दूंगा और फाइनली मैं आपको ये बताऊंगा कि वेदर और नॉट यू शुड बाय इट। तो मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा आपको, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा हेडफोन बोट एटम 83। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो पहले इसके स्पेसिफिकेशंस आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्वाड माइक ENX है, टोटल प्ले टाइम इसका 50 आवर्स है। तो इसके जस्ट पहले हमने एक बोट के एक और हेडफोन्स को अनबॉक्स किया था, बोट 131 प्रो। तो उसका जो प्लेबैक था वो 45 आवर्स का था, लेकिन इसमें आपको 50 आवर्स का मिल जाता है और इसमें लो लेटेंसी भी है 50 ms की। चलिए बाकी बॉक्स ओपन कर लेते हैं इसे। तो ये रही इसकी पैकेजिंग। पहले मेन को साइड रख देते हैं। ये आपके कुछ पेयर ईयर टिप्स हैं, ये टाइप ए टू टाइप सी केबल, डिसेंट क्वालिटी। और ये आपका डॉक्यूमेंटेशन, क्विक स्टार्ट गाइड। वो पैसे बहुत बर्बाद करता है, और साथ में पेपर भी। ये वारंटी कार्ड और साथ में ये स्टिकर, जैसे कि आपको पता ही, अगर माथे वाथे में लगा के घूमना है तो। खैर, इन्हें साइड कर देते हैं। तो ये रहा हमारा मेन यूनिट, तो इसे ओपन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये बता देता हूँ कि इसमें बॉक्स इसीलिए नहीं था क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी हुई थी फ्लिपकार्ट की तरफ से, और आपको इंसिस्ट भी करना चाहिए कि ओपन बॉक्स डिलीवरी किया करें एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि ऐसा होता है कई बार, कई लोगों की शिकायतें होती हैं कि अंदर ईंटें मिल जाती हैं, पत्थर मिल जाते हैं, या तो जो प्रोडक्ट मंगाया था वो नहीं मिलता है। तो खैर, जो भी है, तो ये है बोट का जो हमारा हेडफोन्स है, और जो केसिंग है ठीक ठाक है, अच्छी है। मतलब जैसे हमारा 121 प्रो की थी सेम वैसी ही है, और मैग्नेट ठीक है, डिसेंट क्वालिटी है। और ये रहे हमारे यूनिट्स। तो इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी प्लास्टिक की बनी हुई है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं बोलूँगा मैं, हाँ, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं ये। और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये आप देख सकते हैं। और ये तीन कलर्स में आता है, वाइट, ब्लैक और ये ब्लू। बाकी इसमें जैसे कि आपने स्पेसिफिकेशंस देखे ही हैं इसके, 50 आवर्स का प्लेबैक है इसमें, 50 ms की लो लेटेंसी है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर इस प्राइस रेंज में कंसीडर करना है तो दो आते थे, एक विंग्स का 850 भी लॉन्च हुआ था फैंटम, और साथ में एक ये भी लॉन्च हुआ है, और एक दिन मतलब वन डे पार्टी लॉन्च हुए दोनों। लेकिन मैं अगर खुद अपने लिए प्रेफर करता हूँ तो मैं बोट को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि बोट की जो क्वालिटी है और आफ्टर सेल सर्विस है वो मुझे काफ़ी सही लगती है कंपेयर टू विंग्स, क्योंकि विंग्स का अभी तक मैंने कभी ऐसा कोई सर्विस का एक्सपीरियंस हुआ नहीं है मेरा। और बोट का तो जो सर्विस सेंटर घर के पास में ही, और साथ में आप ऑनलाइन भी वारंटी क्लेम कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने वन असिस्ट का इसमें 2 ईयर्स का एक्सटेंडेड वारंटी भी लिया है, तो इसीलिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। अगर आपको कंसीडर करना है कि विंग्स या ये ले, अगर आप एक हैवी गेमर हो तो आप विंग्स 850 कंसीडर कर सकते हो, लेकिन आपको एक जनरल यूज़ के लिए चाहिए और लो लेटेंसी भी चाहिए और कम प्राइस रेंज में चाहिए, तो आप डेफिनेटली बोट को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये भी ईयर में काफ़ी अच्छे से फिट हो जाते हैं और इनकी कॉल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है एटम 83 के थ्रू ही, तो इससे आप जज कर सकते हैं कि कैसी कॉल क्वालिटी होने वाली है इंडोर कंडीशंस में। तो विंग्स का जो बेस है वो काफ़ी पंजियर साइड पे है, लेकिन ट्रेबल को काफ़ी सप्रेस कर देता है, लेकिन बोट में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोट का जो सिग्नेचर साउंड है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कंपेयर टू विंग्स, लेकिन विंग्स में आपको एक और ऐप सपोर्ट मिल जाता है विंग्स सिंक का, तो उसमें से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो इक्वलाइजर को, तो अपने अपने अकॉर्डिंग आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो कैसा आपको सुनना है। अगर बेस हैवियर सुनना है तो बेस हैवी कर दो, ट्रेबल हाई सुनना है तो ट्रेबल हाई कर लो, वो आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको बोट में नहीं मिल पाता है। और फ्रेंड, साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो विंग्स फैंटम 850 है उसके स्पेसिफिकेशंस 99% सेम है फैंटम 760 की तरह। बस एक चीज़ जो डिफर करती है वो है उसके केस, मतलब जो उसका मॉडल है वो ही डिफर करता है और कुछ उसमें चेंज नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कंसीडर करना है तो आप 760 भी कर सकते हो और साथ ही साथ 850 भी कंसीडर कर सकते हो, दोनों एग्जैक्टली सेम है। वो आपको कौन से ज़्यादा पसंद आ रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये रही हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको थोड़ी हेल्प मिले TWS बाय करने के लिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।